Hey everyone, this is Rinki, your biology mentor, welcoming again you all for the next video of class 11, that is a hemichordates. Okay, we are very known that guys ki hum log jo chapter deal kar rahe hain, ab now hum us chapter ke end point pe hain, because these are the 10th phylum of the animal kingdom. Okay, now last we have a phylum chordates, iske baad hamara chapter end bhi ho raha hai. लेकिन दीज बोथ फाइलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इवन अ सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, दैट इज अ हेमीकॉर्डेट्स. गाइज, एज द नेम इंडिकेट दैट द वर्ड हैमी, ओके, ये जो वर्ड है बेटा हैमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड हैमी, जस्ट अ वर्ड विच टेल अस अबाउट द नॉन कॉर्डेट कैटेगरी. ओके, नॉन आप कह सकते हो, सेमी भी कह सकते हो उसको. ओके, तो वी कैन से दैट हेमीकॉर्डेट्स आर द एनिमल्स विच इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स. ओके, तो दीज आर द एनिमल विच इज कम्स अंडर द नॉन कॉर्डेट्स कैटेगरी. ओके, एंड द वर्ड हेमीकॉर्डेट्स मीनिंग अ नॉन कॉर्डेट्स. लेकिन इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है बेटा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाई दीज फाइलम्स कम्स अंडर द नॉन कॉर्डेट कैटेगरी. ओके, फर्स्टली तो गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि दे डू नॉट हैव एनी टो कॉर्ड्स. ओके, दैट इज व्हाई दे आर कम्स अंडर द नॉन कॉर्डेट कैटेगरी. ओके, इसके बाद इससे रिलेटेड एक और फैक्ट बेटा ये भी है कि दीज आर द फाइलम विच वॉज अर्लियर कंसिडर एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा. ओके, बट वेन वी स्टडी डीपली या वेन द साइंटिस्ट स्टडी डीपली, तो दे डिसाइड कि नाउ दीज फाइलम्स पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉर्डेट. ओके, दैट इज वाई वी प्लेस दीज फाइलम एज अ सेपरेट फाइलम विच इज नोन एज द हेमी कॉर्डेट्स. क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, और वी नो दैट दीज आर द 10th फाइला ऑफ एनिमल किंगडम. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट देयर जनरल फीचर्स, तो गाइस सेम इज कि दीज आर द वर्म लाइक मराइन एनिमल्स. ओके, कैसे हैं बेटा ये वर्म लाइक मराइन एनिमल्स? अब यह समझ में आ रहा है कि ये कैसे हैबिटेट शो कर रहे हैं बेटा, मराइन हैबिटेट शो कर रहे हैं. अभी हमने पढ़ा था ना इकाइनोडर्म्स, वो भी ऑल दी मेंबर्स कैसे थे, दे प्रेफर द मराइन हैबिटेट. तो हेमीकॉर्डेट्स भी कैसे हैं बेटा, दे आर द वर्म लाइक एनिमल्स. ओके, वर्म्स इंसेक्ट लाइक एनिमल्स हैं, दोज शो द मराइन हैबिटेट जनरली एक्वाटिक. कैसे होंगे बेटा ये एक्वाटिक. ओके, और एक्वाटिक में विच वॉटर दे प्रेफर, मराइन वॉटर दे प्रेफर. क्लियर, if we talk about their organization, so yes they are also a organ system level of organization. okay, why? because these are the higher category of animal phylum. okay, so now they have a well defined boundaries of each and every organ, or these organ do their specific function within their boundaries, that is why they are comes under the category of organ system level of organization. okay, if we talk about the symmetry, so yes they do the they have a symmetry, they have a bilateral symmetry. remember abhi humne last member jo padha tha wo kaisi ellipse symmetry show kar raha tha, both bilateral and radial. lekin hemichordates kaise hote hain, those have a bilateral symmetry and they are the triploblastic animals. triploblastic and animals which have a three types of germinal layers, ectoderms, mesoderms and the endoderms. okay, if we talk about the cavity, so yes they same, they are the coelomate animal, those have a true cavity. okay, क्या होगी बेटा उनके पास, एक true cavity होगी. okay, अब क्या होता है, अ स्पेशलाइज्ड फीचर्स विच इज ओनली सीन इन द हेमीकॉर्डेट्स. अगर आप इस एनिमल्स या इस फाइलम के
एनिमल्स का डायग्राम देखोगे बेटा तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है इनकी बॉडी का। ओके मैं आपको बेलेनोग्लासिस का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसा अरेंजमेंट होता है इनका। ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इन एनिमल्स को, एनिमल्स के, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, वॉर्म लाइक एनिमल्स कहा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी बॉडी की तो आप देख रहे हो दीज दे आर शो द सिलिंड्रिकल बॉडी। कैसी बॉडी है बेटा, ये एक सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ बॉडी है। और इनकी बॉडी कैविटी में ये जो पोर्शन होता है ना, दिस पोर्शन, ओके दीज पोर्शन इज नोन एज एंटीरियर प्रोबोसिस। ओके कैसा पोर्शन है बेटा ये, प्रोबोसिस पोर्शन। ओके अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबोसिस। ओके फर्स्टली तो दीज आर द सिलिंड्रिकल, अब मैं यहां लिख देती हूँ सिलिंड्रिकल बॉडी शेप, सिलिंड्रिकल बॉडी शेप दे हैव। ओके नेक्स्ट देर नो देर दीज पोर्शन ओके विच इज नोन एज द प्रोबोसिस पोर्शन। ओके इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, प्रोबोसिस पोर्शन। नाउ क्वेश्चन इज दैट मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबोसिस। ओके आप कह सकते हो इट इज द नोज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। ओके ये प्रोबोसिस क्या है, जनरली अ नोज लाइक स्ट्रक्चर। ओके विच इज फ्लेक्सीबल इन नेचर, कैसा है बेटा वो, फ्लेक्सीबिलिटी शो करता है, फ्लेक्सीबल इन नेचर एंड इवन अ मोबाइल, आप कह सकते हो मोबाइल इन नेचर का है। ओके और दे आर द ट्यूबलर, कैसा है, ट्यूबलर टाइप का ही तो है प्रोबोसिस। अ नोज, जो मैमल्स में नहीं होती नोज, जिसका काम होता है रिस्पिरेशन का। ओके एक रिस्पिरेशन का ऑर्गन है, ऐसे ही प्रोबोसिस इन एनिमल्स में एक नोज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लेक्सीबल है एंड इवन दे आर लॉन्ग एंड मोबाइल और ट्यूबलर इन नेचर। ओके जनरली दे हेल्प इन द सकिंग, किसमें हेल्प करती है बेटा ये, सकिंग में हेल्प करती है। दीज आर द यूनिक फीचर विच इज ओनली सीन इन द हेमीकॉर्डेट्स एनिमल्स। ओके इफ वी टॉक अबाउट द अनदर बॉडी ऑर्गन, तो दीज ऑर्गन्स दीज पोर्शन इज नोन एज द कॉलर विच हेल्प टू कनेक्ट द प्रोबोसिस और टेल पोर्शन, और दीज आर द लॉन्ग एनके। ओके दीज आर द लॉन्ग ट्रंक स्ट्रक्चर, तो वी कैन से दैट द बॉडी हैज एंटीरियर प्रोबोसिस अ कॉलर एंड द लॉन्ग ट्रंक पोर्शन। वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन या वी टॉक अबाउट द डाइजेशन ऑफ दीज एनिमल, तो यस गाइज यू कैन से दैट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दीज एनिमल, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दीज एनिमल आर कंप्लीट। ओके कैसा है बेटा, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक दे हैव, इफ वी डू और कंप्लीट वी नो दैट ना क्या होता है, व्हेन दे हैव अ माउथ एंड एनस। ओके वी टॉक अबाउट द रिस्पिरेशन, ओके तो यस दे हैव अ पेयर ऑफ गिल्स, इनके पास क्या होता है बेटा मराइन है, तो दे हैव अ पेयर ऑफ gills, okay, which do the respiration, which help to release the, which help to transport the gases, which help to gases exchanges, okay, gills का काम क्या होता है, to help in the exchanges of gases, okay, if we talk about the circulatory system, so yes, you can say that they have a dorsal hood. ओके इनके पास क्या होता है बेटा, दे हैव अ डॉर्सल हड। ओके एंड वेसल्स दे हैव, तो दे शो द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके बट देयर ब्लड इज कलरलेस, इनका ब्लड कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है, कलरलेस ब्लड दे हैव एंड दीज कलरलेस ब्लड की एब्सेंस ही क्या बोलती है, बताती है, दे डू नॉट हैव एनी कॉर्पस्कल्स। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द एक्सक्रीटी सिस्टम, ओके तो यस गाइस यू कैन से दैट एक्सक्रीटी सिस्टम कंप्राइजेस द प्रोबोसिस ग्लैंड्स। ओके किससे बना होता है बेटा, प्रोबोसिस ग्लैंड्स विच हेल्प टू रिलीज द एक्सक्रीटी
मेटम, ओके, एंड दीज प्रोबोसिस ग्लैंड इज डायरेक्टली अटैच विद द ब्लड वेसल्स. ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर? ओके, वी टॉक अबाउट देयर एक्सक्रीटी, सॉरी, नर्वस सिस्टम. तो यस, वी कैन से दैट कि देयर नर्वस सिस्टम, या नर्वस सिस्टम ऑफ हेमीकॉर्डेट्स, ओके, नर्वस सिस्टम ऑफ दी नॉन कॉर्डेट एनिमल आर डिफ्यूज विद द नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर. ओके, नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर. क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ दीज एनिमल्स. रिप्रोडक्शन सेम है, काफी कॉमन चीजें हैं इन फाइलम्स के बीच में. बेटा आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है. आई नो दीज आर द वेरी बोरिंग चैप्टर, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं, समझ नहीं आता किसको क्या बोल रहा है. बस हमको ना लर्न करने की नीड है. ठीक है, तो सेम दे आर द डायोसियस, और डायोसियस मीनिंग व्हेन अ सेक्स आर सेपरेटेड. ओके, दे शो द फर्टिलाइजेशन, सेपरेटेड सेक्स है तो दे रिलीज आर गैमेट्स. ओके, एंड दीज शो द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, इनके मेंबर्स जो हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, और कैसा ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन भी करते हैं. इसलिए इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है बेटा, इनडायरेक्ट होता है. ओके, जो इनका ग्रोथ पीरियड होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की वजह से इनमें जो लार्वल स्टेज होती है, ओके, वो फ्रीली वॉटर मीडियम में स्विम करती रहती है. क्या करती रहती है? फ्रीली मूव करती रहती है वॉटर मीडियम में, ड्यू टू द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं इनके मेंबर्स की बात करूं, बेलेनोग्लासेस, टफ से नेम है, मैंने कभी देखे तो नहीं है इनको. एंड सेकेंड इज अ साइकोग्लासेस. दीज आर द टू मेंबर ऑफ द हेमी कॉर्डेट्स. ओके, ये जो डायग्राम बनाया था हमने, ये बेलेनोग्लासेस का डायग्राम था मेरा. ठीक है, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होता है इस तरीके का. क्लियर हो रहा है यहां तक? ओके, तो दिस इज इनफ फॉर हेमीकॉर्डेट्स. नाउ गाइज, वी हैव ओनली वन फाइलम्स आर रिमेनिंग ऑन दिस चैप्टर. ओके, उसके बाद हमारा मॉर्फोलॉजी यूनिट स्टार्ट होगी. लेकिन उससे पहले हमें हमारा कॉर्डेट फाइलम डील करना है, जो कि इम्पोर्टेंट भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन अ कॉम्पिटेटिव पर्पज से भी. ठीक है, तो हेमीकॉर्डेट्स में सिर्फ इतना ही, एनसीईआरटी हमें इतना ही बता रही है, तो हम इतना ही डील करेंगे. एक्स्ट्रा जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे. ठीक है, so till then stay happy, stay healthy and keep learning. God bless you all.